जीना भी है लेकिन एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाना है। इसीलिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक साथ बैठक की थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ और इस बात पर चर्चा की गई थी यहां पर कि किस तरीके से ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन के हिसाब से छूट दी जाए, रियायतें दी जाए। लेकिन अलग अलग राज्यों में मीनाक्षी इस वक्त स्थिति अलग है क्योंकि वहां पर जो केसेस की रफ्तार है या फिर केसेस बढ़ने की जो रफ्तार है वो अलग है और साथ ही मरीजों की ठीक होने की भी संख्या अलग राज्यों के हिसाब से वहां पर अनलॉक की स्थिति भी तय करेगी। और नेहा देखिए, क्योंकि आज अनलॉक वन का पहला दिन, तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही ये कह चुका था कि राज्य पाबंदियों को घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों की सड़कों पर आज कैसे रौनक लौटी है, क्या बदली हुई तस्वीर आज के दिन की है, सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सन्नाटा खत्म हो गया, सड़कों पर लौट आई रौनक, दौड़ने लगी गाड़ियां, शुरू हो गया जाम का जंजाल, बाजार सज गए, दुकानों के भी शटर उठ गए, सरकारी हो या प्राइवेट सभी दफ्तरों के दरवाजे खुल गए। अब कोरोना के साथ जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी। दिल्ली शहर में बहुत कुछ खुल चुका है, ऑफिस, बसें, ऑटो, टैक्सी, सब कुछ वापस आ चुका है, मार्केट्स खुल चुकी हैं, लेकिन दिल्ली शहर में जो नंबर है कोरोना वायरस पेशेंट्स के वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसकी वजह है लोगों की बुरी आदतें। राज्यों की सीमाएं भी खुल गईं, गाड़ियां बिना किसी पाबंदी के एक राज्य से दूसरे राज्यों में दौड़ सकेंगी, लॉकडाउन में फंसे लोग अब बिना किसी पास के कहीं भी जा सकेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ लोग नजर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है कि एक गज, कम से कम दो गज की जरूरी है दूरी, लेकिन आप यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में लोगों को वापस किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों में बेहद कंफ्यूजन है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि कंपनियां जहाँ पे वो नौकरी करते हैं वहां से उन्हें बुलाया जा रहा है लेकिन बॉर्डर से उन्हें एंट्री नहीं करने दी जा रही। दिल्ली बॉर्डर पर हालात अलग हैं। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब भी दिल्ली से आने जाने वालों पर पाबंदी जारी रखा है। इसकी तस्वीर बॉर्डर पर सुबह से ही दिखने लगी। अनलॉक वन आज से लागू है। इस चरण में कर्फ्यू में राहत मिलेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बजाय अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिना रोक टोक आवाजाही रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकेंगे। कंटेनमेंट इलाके से बाहर दफ्तर और दुकानें सब लॉकडाउन से पहले की तरह खुल जाएंगी। देखिए, अनलॉक वन संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक वन। हफ्ते भर बाद रियायत की दूसरी किश्त भी लागू हो जाएगी। अनलॉक 2 8 जून से शुरू होगा। होटल, रेस्टोरेंट सब खुल जाएंगे, मॉल्स को भी इजाजत मिल जाएगी, धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। देश अनलॉक हो रहा है लेकिन कोरोना की जंग खत्म नहीं हुई है। अब भी सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में इस बात पर जोर दिया। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। जान भी जहान भी, इस मंत्र के साथ हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कोरोना की रफ्तार भी डरा रही है। नए मामले रोज रिकॉर्ड के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसे में जिम्मेदारी तो बढ़ ही जाती है, सावधानी और भी जरूरी है।